मेरा सारा श्रेय मैं अपने पिता और माता को देना चाहूंगा बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट आई स्टिल कीप इट विद माई सेल्फ. दोस्तों दिस इज संदीप कुमार यूथ इन्फ्लुएंसर एंड एंटरप्रेन्योर. माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमसी बिजनेस डे बाय डे ग्रो करती जा रही है. आईएमसी बिजनेस को बहुत ही अच्छे अच्छे डायनेमिक लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इसमें टिक नहीं पाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं. इसका कारण क्या है? तो इस फैक्ट पर आज हम कुछ बात करेंगे, जानेंगे. अगर इस फैक्ट को हम समझ लेते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है हमारा है और हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक रुक पाएंगे, समझ पाएंगे बिजनेस को और अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने लाइफ में खुशी को ऐड कर पाएंगे, हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाएंगे. तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आईएमसी बिजनेस को सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर्स कर रहे हैं जो सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़ है भारत में. जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए मान देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो अभी आज के डेट में भारत में बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी को टोटली चेंज कर दिए हैं. उनका मकसद ही है बड़ा बिजनेस. हर वो व्यक्ति जो कभी सोचता था कि अपने बिजनेस को पूरा ऑल ओवर इंडिया में कैसे स्केल कर पाएँ, कैसे बड़ा कर पाएँ, वो आज उनसे ट्रेनिंग लेके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम बजट में अपने बिजनेस को बड़ा कर पा रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने आईएमसी में जब 2018 में आए थे तो उन्होंने हमें बतलाया था कि हम आईएमसी वाले किस तरह से आईएमसी में आकर आईएमसी बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आज के डेट में पूरा ऑल ओवर इंडिया के हर एक लोग जानते ही जानते हैं. अगर आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें. ये आपकी लाइफ में टोटली बहुत ही बड़ा बदलाव ला पाएगा. और माय डियर फ्रेंड, दूसरे हमारे डायनेमिक लीडर हैं, उनका नाम है डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर. डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर का भी मानना है कि भारत देश के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर उसे कोई बदल सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही है. और उनका ये भी मानना है कि भारत देश की जो पॉपुलेशन इतनी बेहतरीन ग्रोथ कर रही है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है जिसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है. और डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर का मानना है, उनका एक कोटेशन है जो बहुत ही बेहतरीन है, हर एक लोग को पसंद आता है. वो कोटेशन है, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग. अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे आज के टाइम के अनुसार, जो टाइम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एजुकेशन मॉडल है जो अपडेट होते जा रहा है, अगर आज के डेट में अगर आज अपडेट नहीं है, अपने आप को इस माहौल में नहीं ढालते हैं तो आप बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं, बहुत ही पीछे जाने वाले हैं. तो अगर आप इस कोटेशन को अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आते हैं तो बहुत ही बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं. बस एक लाइन का ये सेंटेंस जो आपकी पूरी ज़िंदगी को 360 बदल कर रख देगी. अगर आप भी डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटजी, सेल्स मार्केटिंग के बारे में सीखे जाने, तो उनका यूट्यूब पे जाएं और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ जाके देखें, जिससे आपके माइंड शार्प होगा और आप बिजनेस को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. लास्ट वन माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है जो अभी हाल ही फिलहाल आईएमसी पर धमाका मचाए हुए हैं, उनका नाम है टीएस मदान सर. टीएस मदान सर के पास 40 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है. जिस वक्त हम जानते भी नहीं थे, उस वक्त मतलब उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया खुद कि मैं 1980 में ही मोटिवेशन स्पीकर बन गया और लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग देना शुरू किया. अब उस वक्त से लेकर आज तक जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने एजुकेशन को अपडेट कर पाएँ और उसके साथ ही साथ बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, तो उनके यूट्यूब पर जाएँ और बहुत ही बेहतरीन उनकी जानकारी है. और जो भी वीडियो आईएमसी से लाइव मिलती है वो पक्का आप देखें, वॉच करें. बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप उनके वीडियोस जाकर देखें, उनके हर एक वर्ड को फॉलो करें, जिससे आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करने में बहुत ही सिंपल और आसान लगेगा जानने के बाद. तो ज़रूर से ज़रूर उनको फॉलो करें. तो माय डियर फ्रेंड्स, आईएमसी में बहुत सारे बेहतरीन लीडर्स हैं. अगर मैं उनके हर एक लीडर के बारे में आपको बतलाना शुरू करूँ तो बहुत ही बड़ी लिस्ट बन जाएगी. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम
को किल किया जाए और टाइम को बचाते हुए मैं राइट नॉलेज राइट इन्फॉर्मेशन पे चलता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे ये तीन डायनेमिक लीडर्स के बारे में बताना इससे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो IMC में आ तो जा रहे हैं लेकिन बिजनेस को क्विट कर दे रहे हैं, वो कंटिन्यू बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका बहुत ही बड़ा रीज़न और फैक्ट क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, नहीं तो मिस हो जाएगी, तो बहुत ही बड़ी जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो पर टिके रहें और बने रहें। चलिए फाइनली हम इस टॉपिक पे चलते हैं कि किस वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम किसी भी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इसका एक प्रोसेस क्या होता है। स्टार्टिंग में हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल में हमारा 1 से लेकर 10 मतलब 10 साल का टाइम वहाँ पर ड्यूरेशन देना होता है। उसके बीच में हम बहुत सारे स्टडीज करते हैं, बहुत सारे टैलेंट को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद हमारा 10th के बाद 11th 12th का क्लास होता है जिसमें हम इंटर को फाइनल करते हैं। उसके बाद हमारा 4 साल का ग्रेजुएशन क्लास रहता है, ग्रेजुएशन के क्लास में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उस वक्त हमें खुद नहीं मालूम होता है कि हमारा जॉब कहाँ पर होने वाला है, किस सेक्टर में होने वाला है, कब होने वाला है। मतलब हम जाने अनजाने में किसी परफेक्ट चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। लेकिन फिर भी हम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने कैरियर को बनाने में। और उसके बाद होता है क्या है कि गाइस, हर लोग के पास जो हमारे IMC में जो फाइनेंशियली फ्रीडम है वो हर जगह लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन लोग उसकी तैयारी करते ही करते हैं। अप्रोक्स अगर लिखने की जॉब लग भी जाता है तो उनका पैकेज जो होता है 1-2-3 लाख का पर ईयर का पैकेज होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर लोग IMC मारते हैं और IMC छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत ही बढ़िया आज डेट बन चुकी है, हमारा परिवार 1 करोड़ का होने वाला है और ये इंडस्ट्री बहुत ही स्पीड से ग्रोथ कर रही है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम जैसे लोग अगर चाहें इस बिजनेस में टिकना, सीखना, समझना और अच्छी खासी अर्निंग करना, क्योंकि ये फुल्ली बॉसलेस, मतलब कोई आपका बॉस नहीं है, फुल्ली टाइम फ्री है, आप खुद तरह के यहाँ पे ऑनर है, आप खुद तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे आने के बाद 1 से 2 साल सीखने समझने में टाइम देना नहीं चाहते हैं, बिजनेस को अच्छी तरह स्टडी करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। हर लोग क्या है कि वैसे लोग जो जॉब की तैयारी में 10 से 15 साल की टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उनका एक सेफ मतलब एक टारगेटेड डेस्टिनेशन नहीं है कि वहाँ पे हम पहुँचेंगे। लेकिन IMC में लोग आने के बाद क्या है कि लोग चाहते हैं कि क्विक मनी, मतलब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4th महीना हुआ, मतलब हर महीना हमारा आदत क्या है कि महीना हुआ पेमेंट हाथ में आना चाहिए। लेकिन जो सही तरीका है, जो सही रूल है, क्योंकि आज के डेट में IMC के लिए कोई कॉलेज नहीं, कोई ऑफिस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हम जाके पढ़ें, स्टडी करें, समझे, जाने, ये पूरी तरह से हमारा सेल्फ मेड बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। तो हमें करना क्या होगा, किसके बारे में खुद स्टडी करना होगा, हमारे जो लीडर हैं उनके बाद उनसे मिलना होगा, जो लीडर अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, सीख रहे, समझ रहे, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन मतलब वो जो बतला रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। और खुद से कम पर 3 से 4 घंटा हमें इस बिजनेस को समझना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअली में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम कैसे करती है, हमें लोगों से डील कैसे करना होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या रेगुलेशन होते हैं, हमें कैसे इस बिजनेस को दूसरे सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने में अप्रोच करना है, प्रेजेंट करना है। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो उसी तरह हो जाएगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सीखने में, समझने में अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि उसी तरह कि हम युद्ध में तो निकल पड़े हैं लेकिन हमारे पास कुछ हथियार नहीं है, हथियार है भी तो चलाना नहीं मालूम है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप घायल होइएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या है कि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिल चुकी है जहाँ पे आप अनएक्सपेक्ट मतलब जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे भी अच्छी खासी लाइफस्टाइल यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कर दिए हैं, मतलब आज की डेट में अगर वो काम ना भी करें तो भी उनके घरों में इनकम अच्छी खासी आती है, लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम भी ऐसे लाइफस्टाइल को चाहते हैं तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते हैं, 1 से 2 साल लर्निंग पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम होता है कि हम जिंदगी भर काम करते रहें तो पैसा आएगा, एक हुआ कि कुछ समय तक काम करो। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इस एग्जांपल को समझ जाते हो तो आप IMC के पावर को समझ जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, KFC के ऑनर के बारे में मैंने एक बुक में स्टडी किया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, किसी ने उनसे सवाल किया
कि सर आप अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल में एक्सपेंड क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी एक मिली है, अगर मैं चाहूँ तो पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगा दूँ या पूरी ज़िंदगी को मैं अच्छी तरह से जीने में लगा दूँ। तो उसने सामने वाले से पूछा कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन दो मिले तुम क्या करोगे। तो वो बोलेगा मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पैसे कमाना तो चाहता ही हूँ, लेकिन एक निश्चित समय सीमा तक। KFC के जो ऑनर थे उन्होंने उस बंदे से सवाल किया कि बता तेरे दादाजी पे तुझे कोई शक है क्या। बोले कि किस बात पे, मतलब वो मेहनती थे कि नहीं थे, वो अच्छे से काम करते नहीं थे। नहीं, वो बोले कि बहुत ही अच्छे मेरे दादाजी, वो बहुत ही मेहनती थे। आप तुम्हारे पिताजी पे तुझे शक है क्या। बोले नहीं, मेरे पिताजी बहुत मेहनती, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो जो अरे परिवार का ध्यान रखते हैं। और तुझे खुद भी ऊपर शक है क्या। तो बोले नहीं, मुझे भी अपने ऊपर बहुत ही गर्व है, मैं भी बहुत मेहनत से काम करता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा हूँ। बता अगर तेरे दादाजी का और तेरे पिताजी का दोनों को उम्र को जोड़ दिया जाए, मैं मान लेता हूँ कि 100 साल कम से कम, 50 साल तेरे पिताजी का और 50 साल तेरे दादाजी का, ठीक है 100 साल मान लेता हूँ कि 100 साल दोनों ने मिलकर पैसे कमाने के लिए काम किया, ठीक है, और आज तू भी पैसे के लिए काम कर रहा है, तो क्या ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहेगा, इससे आज़ादी कब मिलेगी, ऐसे इसके बारे में तूने कुछ सोचा है। उस वक्त उस बंदे के दिमाग में उसके दिमाग की बत्ती जली कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ये सवाल पूछने के बाद उस बंदे के पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया KFC कॉर्नर ने दिया कि मैं इस बिजनेस को किस क्यों कर रहा हूँ और क्या मेरा तरीका बिजनेस करने का। तो इस आइडिया से उस बंदे की ज़िंदगी बदल गई। उस वक्त वो बंदा अगर ये सोच भी रखता होगा कि मुझे जॉब करना, उसका प्रिपरेशन अगर कर भी रहा होगा, तो उस टाइम से उसके पास बिजनेस माइंडसेट का थॉट आ गया होगा कि मुझे बिजनेस करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे जो भी था वो बंदे ने सोचा समझा और उसको बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन आज के डेट में हमारे पास IMC जैसा वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है माई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पहले के टाइम अगर 10 साल पहले अगर हम बात करते, अगर उस वक्त हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली होती, उस वक्त उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना लोग YouTube पे वीडियोस नहीं देखते थे, उतना इंटरनेट फास्ट नहीं था, डेटा सस्ता नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, बहुत सारे लोग ना समझते, सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज के डेट में हर एक सेकेंड में आपके पास राइट नॉलेज, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है। तो माई डियर फ्रेंड, अपने टाइम को सही इम्प्लीमेंट करें, सही तरीके इस्तेमाल करें, अपने ब्रेन का सही यूज़ करें, और आने वाले टाइम में आप टोटली 360 अपने फैमिली के हिस्ट्री को बदल सकते हो। क्योंकि जिस तरह से IMG अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर रही है, हर लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हर एक दुकानदार चाहता है तो वो जो भी दुकान खोले उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट हो, और हम बिना प्रोडक्ट बनाए ही इस प्रोडक्ट के मालिक बन चुके हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय। And if you like my video, then subscribe my YouTube channel and click the bell icon for getting notification of the next video. Okay, thank you. Swadeshi apnaye, desh bachaye. Good times, dosto.